नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टिकटॉक में। और आज हम यहाँ पर आए हैं ओम हीरो इस शोरूम में, हीरो के शोरूम में। और ये जो है आज हम आपको रिव्यू कराने जा रहे हैं हीरो HF डिलक्स विथ i3S इस टेक्नोलॉजी के साथ में, और हमको प्रोवाइड की है ओम हीरो तलोदा की ओर से। तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। आज हम आपको रिव्यू करने जा रहे हैं हीरो HF डीलर्स के डीलर्स का, जो कि है i3S स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। उसके साथ में यहाँ पर जो है ये EFI मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आती है, जो कि BS6 वर्जन भी कहला जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फंक्शन हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमको आज के लिए अत्यावश्यक है। और जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल होती है दोस्तों IBS टेक्नोलॉजी, मतलब ये है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत सारे हमने स्कूटरों में देखा है, बहुत सारे नए नए अभी जो वर्जन लॉन्च हो रहे हैं उस गाड़ियों में देखा है। उसी तरह से ये जो है BS6 मॉडल्स, या इसमें भी ये फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। होता है कि दोनों ब्रेक एक साथ में अप्लाई होते हैं। जैसे कि हम अगर पिछला ब्रेक लगाएंगे तो पिछले ब्रेक के साथ में यहाँ पर ये जो अगला ब्रेक है ये भी हल्के से अप्लाई होने वाला है। ये जो है BS6 वर्जन या तो फिर BS6 मॉडल, इसमें जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट में आती है, और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये जैसे कि मैंने बोला i3S टेक्नोलॉजी के साथ में जो ब्रेक्स है, तो यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक्स हमको मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई भी डिस्क ब्रेकर नहीं है, ताकि कंपनी इसकी कॉस्टिंग कर सके, क्योंकि ये जो बाइक है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली बाइक है, और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी बाइक है, जो कि हमको हमारे बजट में हमको अवेलेबल हो जाती है। ये BS6 मॉडल होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत तो प्राइस बढ़ने की संभावना यहाँ पर होती है दोस्तों। तो ड्रम ब्रेक के साथ में यहाँ पर जो है एलॉय व्हील्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में कास्ट व्हील्स भी कहते हैं दोस्तों। तो एलॉय व्हील्स यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो सबसे अच्छी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो है i3S टेक्नोलॉजी। तो ये i3S टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हम अगर 30 सेकंड से ऊपर किसी ट्रैफिक में हम अगर रुक जाए, या फिर हमारी गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट हो और हम अगर ट्रैफिक में रुके हैं, तो ट्रैफिक में रुकने के बाद में ये जो इंजन है इग्निशन, तो इग्निशन इसका ये ऑटोमेटिकली बंद होने वाला है 30 सेकंड्स के बाद में। तो इसकी वजह से, तो ये जो है ये सिस्टम की वजह से हमारा बहुत सारा फ्यूल यहाँ पर बच जाता है। चलिए अब हम इसके ORVM के बारे में बात कर लेते हैं। जो है साइड ग्लास या तो फिर ORVMs, ये दोनों भी बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो जितने हो सके उतने यहाँ पर सफिशियंट है और कंपेटिबल भी है। उसके साथ में चलो यहाँ पर हम आपको आपका जो यहाँ पर कंसोल है, ये कंसोल हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो कंसोल है, ये कंसोल यहाँ पर डिजिटल ना होते हुए यहाँ पर एनालॉग कंसोल दिया गया है, और इसका टॉप स्पीड यहाँ पर बताया गया है 140, लेकिन 140 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कोई भी ये गाड़ी नहीं चला सकता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपना जो एवरेज इन एंड एवरेज स्पीड होता है, या ये 40-50 या तो 60 तक बहुत अच्छा स्पीड होता है, जो कि हमारे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद में स्विचेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है जो आपका ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रिप बनाने के यहाँ पर अच्छे से हैंडल दिया गया है। साथ ही साथ में ये जो है ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई है। उसके साथ में ये जो है स्विचेस अपर और डिपर के लिए है, साथ ही साथ में ये टर्न इंडिकेटर है लेफ्ट और राइट के लिए। उसके बाद में ये जो है हॉर्न के स्विच के बाद में यहाँ पर ये जो है ये आपका इग्निशन है, और साइड इंडिकेटर के लिए यहाँ पर जैसे कि हम दबाते हैं ग्रीन इंडिकेटर भी यहाँ पर
दिया गया है। न्यूट्रल अगर हमारी गाड़ी है, न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल यहाँ पर खड़ी है। और दोस्तों देखिए ये जो है, ये जो सिंबल अभी आजकल बहुत गाड़ियों में आने लगे हैं, ये जो ऑरेंज कलर में आपको सिंबल दिख रहा है, ये बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर समझ लो हमारी गाड़ी अगर ख़राब है चलते हुए, तो ये सिंबल अगर ये चालू रह जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी में कुछ खराबी है। तो हमको ये तुरंत ये शोरूम में ले जाना चाहिए, तो फिर दिखाना चाहिए। अगर ये इंडिकेटर गाड़ी चलाने के बाद में, स्टार्ट करने के बाद में अगर बंद हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में। अभी हमने ये देखिए इग्निशन ऑन किया, तो इग्निशन ऑन करने के बाद में जो इंडिकेटर है अपने आप बंद हो गया। देखिए इसकी फायरिंग भी कितनी स्मूथ है, मैं आपको यहाँ पर इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में ये गाड़ी आती है, इसकी हम आपको ये फायरिंग सुना रहे हैं। तो देखिए ये जो इंडिकेटर है, इसको क्लियर लेंस इंडिकेटर कहते हैं। चलिए अभी इसका शॉर्ट में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। देखते हैं इसकी जो ओवरऑल लेंथ है दोस्तों, 1965 mm की है। ओवरऑल जो विड्थ है इसकी 720 mm की आती है। उसके बाद में ओवरऑल जो हाइट आती है 1045 mm की इसकी हाइट आती है। व्हील बेस जो है इसका 1235 mm का इसका व्हील बेस है दोस्तों। सैडल हाइट जो है, ये पिछली वाली जो हाइट है ये 805 mm की आती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm का आता है, ताकि हम ओवर खाबड़ रास्तों में भी इसको बहुत अच्छी तरह से चला सके। उसके बाद में जो इसका फ्यूल टैंक है 9.1 लीटर का, इसका बहुत ही अच्छी तरह से फ्यूल टैंक यहाँ पर मेंटेन कराया गया है। और साथ में इसका जो ये जो है ओपन करने के लिए यहाँ पर ये फ्यूल के ऊपर कैप्स आती है दोस्तों। इसका जो मैक्सिमम पावर जो है, ये जो बाइक प्रदान करती है हमको 5.9 किलोवाट एट द रेट 8000 RPM पर हमको प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए ये है हीरो की बैजिंग। पहले जो थे मॉडल्स, उसमें ये हीरो की बैजिंग के साथ में नहीं आते थे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब ये नया BS6 मॉडल लॉन्च हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये नया फेंडर जो है उसके ऊपर ये हीरो की बैजिंग के साथ में यहाँ पर आने लग गया है। तो चलिए अब हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्रंट सस्पेंशन है दोस्तों, ये है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन यहाँ पर हमको इस बाइक के साथ में आता है। और जो रियर सस्पेंशन जो है, ये स्विंग आर्म विथ अ टू स्टेप एडजस्ट टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ में ये सस्पेंशन हमको आता है। जो हेडलैम्प आता है दोस्तों, इसमें जो है ये एलईडी ना होते हुए ये हेलोजन लैम्प के साथ में आता है। ये देखिए हीरो की बैजिंग। तो ये जो हेडलैम्प है 12 वोल्ट विथ 35 वैट के साथ में यहाँ पर ये हेलोजन लैम्प, ये जो है ये गियर शिफ्ट यहाँ पर हमको मिलता है। गियर शिफ्ट के साथ में यहाँ पर ये जो है ये सेंटर स्टैंड है, ये है साइड स्टैंड। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टर सिस्टम यहाँ पर ये इंजन के ऊपर यहाँ पर अंदर दी गई है। यहाँ पर EFI जो है प्रोग्राम्ड EFI पावर स्टार्ट के साथ में, मतलब सेल स्टार्ट पावर स्टार्ट दोनों हम कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसी के साथ में ये HF डिलक्स जो है i3S टेक्नोलॉजी के साथ में, मैंने आपको बताया जैसे कि i3S टेक्नोलॉजी क्या होती है, और प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके बारे में मैंने बताया। अभी देखिए ये ऊपर जो आई बटन है, ये आई बटन पर क्लिक करके आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाड़ी ड्राइव करेंगे उसके लिए ये फुटरेस्ट, उसके बाद में कंपेनियन के लिए फुटरेस्ट है, और जो कई ये साड़ी गार्ड लेग गार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है अलग से यहाँ पर स्टैंड दिया हुआ है। तो इसका जो सीट है दोस्तों, इसका सीट जो है ये बहुत ही हमको कंफर्ट प्रदान करता है। यहाँ पर इसकी जो सीट की जो यहाँ पर पोजीशनिंग आती है, तो ये सीट भी बहुत मतलब अच्छा सा है और लंबा सा सीट दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हमने आपको HF डिलक्स EFI सिस्टम वाला जो है, उसको हम BS6 मॉडल भी बोल सकते हैं, इसके बारे में आपको रिव्यू दिया है, जो कि अभी अभी नई नई लॉन्च हुई है। तो ये मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, तो लाइक या तो फिर डिसलाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, मोटर बाइक्स के लिए या तो फिर स्कूटरों के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।